बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये टॉपिक डिस्कोर्स स्टडी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसको हम CDA भी कहते हैं, एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स पावर डायनेमिक्स इन सोसाइटी। देखो, एक लैंग्वेज है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी सोसाइटी में। It explores how language is used to construct social realities and maintain or challenge power structure। Language है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये तो एक पॉइंट हुआ। फिर वो जो पावर, जिसके पास पावर होती है, उसको हम कैसे ललकारते हैं, या उसके चैलेंज या जो चैलेंजेस होते हैं, यानी उस लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे जो है किसी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आता है। अब ये हर किसी का काम नहीं होता, मतलब हर कोई इस तरह जो है एनालाइजेशन नहीं कर सकता। Here is a brief or a few examples illustrating language and society in CDA। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है gendered language। एग्जाम्पल क्या है नीचे, जॉब एडवर्टाइजमेंट्स यूजिंग मैस्कुलिन कोडेड लैंग्वेज में रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आपने अमूमन देखा होगा क्या है कि जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जैसे जॉब से रिलेटेड, तो उसमें मेल को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप शो करता है। इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल परसेप्शंस ऑफ सूटेबल रोल्स फॉर मैन एंड वुमेन। और इसमें फिर आप देखते भी हो, मैंने बताया ना कि हर कोई इसको एनालाइज़ नहीं करता, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको एनालाइज़ करते, जिसमें आपको पता चल जाता है या वर्ड से आपको पता चल जाता है कि यार ये वर्ड जो है मतलब मेल के लिए यूज़ किया जा रहा है और मेल को जो है डोमिनेंट शो किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। एग्जामिन्स पॉलिटिकल स्पीचेस में एम्प्लॉय स्पेसिफिक लैंग्वेज टू फ्रेम इश्यूज इन अ वे दैट बेनिफिट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी डिसीजन। जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या है, इसमें भी हम यही देखते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं वो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली किसी और को जो है हिंट दे रहे होते हैं, किसी और पार्टी को, किसी और बंदे को। ठीक है, वो आप, मैंने अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता चल तब चल जाता है जब आप एनालाइजेशन करते हो, आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ करते हो। फिर इसके बाद है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स क्या है, न्यूज़ आर्टिकल्स में यूज़ लैंग्वेज दैट परपेट्रेट्स स्टेरियोटाइप्स शेपिंग पब्लिक एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन एथेंसिटी। आप मीडिया में देखते हो, मीडिया में क्या है, कभी कभार क्या होता है, किसी एक क्या कहते हैं यार ये मतलब एक ग्रुप को टारगेट करते, एक कम्युनिटी को टारगेट कर, जैसे आप इंटेंसिटी, रिलीजन या किसी मज़हब को टारगेट, किसी सेक्ट को टारगेट करना, ये क्या है, ये मीडिया डिस्कोर्स या मीडिया रिप्रेजेंटेशंस में आता है। फिर उसके बाद है क्लास एंड एजुकेशन। एजुकेशनल पॉलिसीज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स और चैलेंज सोशल क्लास डिविजन्स इफेक्टिव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन है, इसमें भी आप बहुत से कुछ आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये किसकी तरफ है, यानी रियलिटी है, इसमें रियलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें फिर आपके क्लास एंड एजुकेशन में। और इसमें आपकी वो क्लास भी डिस्कस होती है, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, एलिट क्लास, तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाती है। एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमरिज्म। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन यूज लैंग्वेज टू क्रिएट डिज़ायर्स एंड रीइंफोर्स कंज्यूमरिस्ट वैल्यूज़ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स अराउंड मेट्रलिज़म। ये अगेन आपके वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, आपके कुछ ऐसे लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जिससे आपके डिज़ायर्स यानी उभरते हैं, यानी आ जाते हैं आप में कि यार ये जॉब जो है मैंने हर हाल में, यानी अगेन वही बात आती है ना कि वो जो एडवर्टाइजमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो इस टाइप की लैंग्वेज होती है जिससे आपको जो है अपनी तरफ ये लोग खींचते हैं। लीगल डिस्कोर्स। एग्जामिन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट कैन एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम फुली अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स कंट्रीब्यूटिंग टू अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अमूमन देखा होगा कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें लैंग्वेज को बड़ा सख्ती से यूज़ करते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, अगेन वही बात कि हर कोई समझ नहीं सकता, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी जो इनडायरेक्टली जो है आपको, यानी आपके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी डायरेक्टली, यानी कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा जिससे आपको डायरेक्ट पता चले कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी होने वाली या ये मेरे साथ होगा, तो वो जो है इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। CDA हेल्प्स अनवेल द हिडन मीनिंग्स एंड पावर रिलेशंस एम्बेडेड इन लैंग्वेज। CDA का क्या काम है, देखो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब ये है कि जब लैंग्वेज को यूज़ किया जाए उसमें से आपने हिडन मीनिंग निकालना है। ठीक है, हिडन मीनिंग से मुराद ये, जब आप कोई लैंग्वेज, आप सपोज़ मेरे सामने बैठे हो, आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके वर्ड्स पर गौर करूँ कि यार इस वर्ड में या इस चीज़ में इसके क्या व्यूज़ शो हो रहे हैं, यानी ये फेमिनिस्ट टाइप है, ये जो है किस टाइप का बंदा है। ठीक है, आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज से मैं पता लगा सकूँगा। शेडिंग लाइट ऑन हाउ डिस्कोर्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल स्ट्रक्चर्स एंड इनइक्वलिटीज़। और फिर इसमें अगेन वही चीज़ें आ जाती है कि कुछ समटाइम्स ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है जिसमें इनइक्वलिटी को शो किया जाता है। जैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई है एडवर्टाइजमेंट पे भी, जो गोल्डन पर्ल क्रीम है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, बल्कि लड़कियां तो लगाती भी हैं इसको। तो उसमें क्या है, मैंने एक चीज़ जो है डिस्कस की कि उसके आप किस तरह क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीचेज़ है उसकी मैंने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो डिस्कोर्स स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।